पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए टैक्स में हो रही गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर आज कमिश्नर मुरादाबाद के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, साथ ही मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। देखिए, आरती यादव जी समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखती हैं, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी हैं। जैसे कि आप सबको मैंने अवगत कराया, मेरे पे ऐसे ऐसे सबूत हैं जो सबूत मैं दिखाऊंगा, साक्ष्य अधिकारियों को, अधिकारी मेरे से मांगे सबूत, मैं सबूत दूंगा कि हिंदू जितने भी व्यापारी हैं उन लोगों के ऊपर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर किसी के ऊपर हाउस टैक्स की वसूली नहीं की जा रही। इसका मतलब ये है कि आप सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। आरती यादव की मानसिकता है, क्योंकि हिंदूवादी सरकार है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, तभी वो टैक्स वसूल नहीं कर रही है और उनकी दुकानदारी चल रही है और वो दुकानदारी हम चलने नहीं देंगे। अगर आरती यादव ने अपने कारनामे का माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग उसका कारनामे सारे चिट्ठे खोलेंगे कि उन्होंने जिन जिन लोगों से हाउस टैक्स वसूला है और मुस्लिमों से बिल्कुल नहीं वसूला, उनसे कमाई करनी है, तो ये सब चीज़ें हिंदू समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं अपना पक्ष रखते हुए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह का कहना है कि किसी भी तरह का कोई पक्षपात शहर में नहीं किया जा रहा और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र का हिस्सा है। उनका कहना है कि निगम के ही कुछ लोग दबाव बनाने के लिए उनसे ये प्रदर्शन करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, शासन के निर्देशों का पालन करती हूँ, निष्पक्ष रूप से समस्त कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। जो भी बड़े बकायेदार हैं उनकी कार्यवाही लगातार नगर निगम द्वारा की जाएगी। बड़े बकायेदारों से वसूली की प्रोग्रेस के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा मीटिंग भी बुलाई जा रही है। प्रमुख सचिव की उक्त मीटिंग के आदेश में नगर आयुक्त महोदय द्वारा भी बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु अनवरत आदेश दिए जा रहे हैं। अपने उच्च अधिकारियों का आदेश के अनुपालन में बड़े बकायेदारों से लगातार संपर्क निष्पक्ष भाव से किया जा रहा है। देखिए, चड्ढा कम्प्लेक्स को बिल मांग नोटिस दिया जा चुका है। अग्रिम सीलिंग संबंधी कार्रवाई नेक्स्ट वीक में हमारे द्वारा की जाएगी और जो मेवा ब्रास है इन्हें भी बिल मांग नोटिस दिया जा चुका है, इनकी भी सीलिंग संबंधी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप की जाएगी। और ये जो मिड टाउन है या ऋषि छावड़ा का जो है ये मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी इन्हें बिल मांग नोटिस दिया जा रहा है। इनसे भी वसूली की कार्रवाई लगातार कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आरोप निराधार हैं, जो भी व्यक्ति काम करता है उसकी लोग शिकायत करते हैं। आरती सिंह ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय और कमिश्नर मुरादाबाद के सामने इस षड्यंत्र को रखेंगी, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं वे अपनी आमदनी के लिए डिपेंड करते हैं मुख्य तौर से गृह कर और जल कर पर। प्रतिवर्ष ये अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसी क्रम में चूँकि अब दिसंबर माह आ चुका है और मार्च 24 में केवल 4 माह का समय ही अवशेष है, तो ऐसे समय पर राजस्व वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख तौर से जो हमारे पुराने डिफॉल्टर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग 25 लाख से ज़्यादा है उनके, और उन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा राजस्व का जमा नहीं किया है, गृह कर या जल कर का जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2022 में हमारा जो राजस्व था वो जहां 38 करोड़ हुआ करता था, गत वर्ष हमने इसको 49 करोड़ तक बढ़ाया है और उसी का नतीजा ये है कि सीएम ग्रिड और नगरी सड़क योजना में हमें अतिरिक्त धनराशि सड़कों के निर्माण के लिए इस बार प्राप्त हो रही है। तो एक फॉर्मूला विकसित किया गया है जिसके तहत जो नगरी निकाय अपनी आमदनी को जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, उतनी ही प्रतिशत उनको ग्रांट में
बढ़ोतरी होकर के प्राप्त होगी, जिसका अंततः उपयोग शहर के विकास में किया जाएगा। तो इसी क्रम में शहर में व्यापक तौर से राजस्व वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।